हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो अब हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक जो हम पढ़ते आए हैं और आगे भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे बच्चों का डर लगता है ये ट्रिग्नोमेट्री सुन के, काफी सारे ऐसे, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज आती है जिसके हमें एक्चुअली रियल लाइफ में कुछ दिखाई नहीं देता, राइट? साइन, कॉस, कोसेक, सेक, टैन, कॉट, राइट? तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं फॉर्मूला से, रूल से, काफी सारी चीजें होती है इसके अंदर, राइट? तो यहाँ पे आज का जो सेशन होने वाला है हमारा डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक्स के बच्चों के लिए, कि कंप्लीट बेसिक्स, कंप्लीट स्टार्ट से, कि हमारा साइन के बेसिक रूल से हम स्टार्ट करेंगे एंड देन हम ये चैप्टर में जितनी भी थियोरी हमें लगने वाली है, जितनी भी थियोरी पूरा का पूरा ये वाले सेशन में होगा। आपको जितने फॉर्मूलाज लगेंगे, रूल्स लगेंगे, टेबल हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, या फिर कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें होती है जो हमें अंडरस्टैंड करनी होती है, वो सारे का सारा वो हम ये सेशन में देखेंगे। अगर रियलिटी बताऊं तो ये सिर्फ कहते हैं ना 50%, मतलब 25% है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का, 25 भी बोलना बहुत गलत होगा, 20% है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का। आगे का जो 80% है वो आप धीरे धीरे करके पढ़ते जाओगे। सीरियसली 20% है, आपको ये आता है तो वो 80% आपको बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है, फिफ्थ चैप्टर है, अगर डिप्लोमा के बच्चों के हिसाब से देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स। अब ये अलाइड एंगल्स क्या होते हैं एंड कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं, ये पूरे दो टॉपिक के ऊपर हमारा ये चीज होने वाला है। हमारा जो चैप्टर है अगर कहूँ तो डिवाइड किसमें हुआ है, एक अलाइड एंगल्स वाले टॉपिक में और कंपाउंड एंगल्स वाले टॉपिक में। ये दो हमें टॉपिक्स कंप्लीटली अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं, विद डेफिनेशन, विद फॉर्मूलास, ताकि हम सारी चीजें इजी से कर लें। तो सबसे पहले हम डील करते हैं हमारे कंपाउंड एंगल, कंपाउंड ये चीज से। अब कंपाउंड जब हम सोचते, समथिंग दैट इज कंपाउंड ऑफ टू थिंग्स, दो चीज को मिला के हम कुछ कर रहे हैं, राइट? हमें एक्चुअल बेसिक आइडिया तो यही चीज आता है दिमाग में। तो इसका डेफिनेशन क्या है एक्चुअली हमारे पास, एन एंगल ऑब्टेन्ड बाय अल्जेब्रिक सम एंड डिफरेंस। अगर कहो अल्जेब्रिक सम एंड डिफरेंस, अब अल्जेब्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया तो कंफ्यूज मत हो। सम मीन्स एडिशन, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम ऐसे चीजों के साथ डील कर रहे हैं, एंगल्स के बीच में डिफरेंस एंड सम देखने वाले, ऑफ टू और मोर एंगल्स। अब डिफरेंस देख रहे हो, सम देख रहे हो, तो दो तो चाहिए ना यार। मिनिमम क्राइटेरिया क्या होगी कि हमारे पास दो एंगल्स होने चाहिए। 1+2 करना है तो यू हैव टू इंडिविजुअल्स, दो नंबर के बीच में एडिशन होगा, वही चीज है, इज कॉल्ड अ कंपाउंड एंगल। व्हाट इज कंपाउंड एंगल नाउ? अब इससे समझ में आया, सम एंड डिफरेंस हम कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे, कुछ ज्यादा कर रहे, ऐड कर रहे या फिर कम कर रहे दो एंगल्स के बीच में। तो विल से हियर, प्रेजेंटली हम क्या कहेंगे, हमारा एक एंगल है लेट अस से ए एंड दूसरा एंगल है बी। तो अगर मैं इनके बीच में एडिशन करना चाहती हूँ, सम करना चाहती हूँ, तो व्हाट आई नीड टू डू इज ए प्लस बी। इफ आई वांट टू डू डिफरेंस, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, एज सिंपल एज दैट। तो यही चीज है यहाँ पे भी, ए प्लस बी। अब टू एंड टू से ज्यादा कही है तो तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, इट टोटली डिपेंड्स, राइट? तो हमारा ये क्या होता है, सम एंड डिफरेंस का या सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला होता है। अब ये इंडिविजुअल टर्मिनोलॉजीज के हमें फॉर्मूलाज देखने हैं, प्लीज डरना मत, होता है कई चीजें, ये तो बेसिक है, बेसिक सी चीज, शायद आपने पढ़ी भी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करने। सम एंड डिफरेंस अगर हम कह रहे हैं, कंपाउंड एंगल्स में वी हैव सिक्स फॉर्मूलाज, जस्ट सिक्स फॉर्मूलाज हमारे पास। बेसिक अगर कहूँ तो हमें साइन याद रखना है, कॉस का फॉर्मूला एंड टैन का फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूलाज इंडिविजुअल के लिए हमें याद रखना है एंड काफी चीजें हो जाती है। अब हम सम का सबसे पहले देखते हैं, तो साइन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल, कंपाउंड इज समथिंग कि हम दो एंगल्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है? अभी तक हम सिर्फ दो एंगल्स के साथ ही डील करेंगे, तीन एंगल का हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ दो एंगल का देखेंगे, ठीक है? तो ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, विल बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसको याद कैसे करोगे, तो साइन का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो मेक श्योर सबसे पहले हम साइन का टर्म लिखेंगे, साइन फिर कॉस। हमेशा ये चैप्टर में याद रखना, हमें डीलिंग किससे करनी है, साइन की कॉस से फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंडशिप हम कहेंगे, साइन की कॉस के साथ होती है, टैन की कॉट के साथ होती है और कोसेक की सेक के साथ होती है। ये फ्रेंडशिप याद रखना, ये सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ऐसा समझ लो। साइन कॉस के साथ होगा, टैन कॉट के साथ होगा, कोसेक सेक के साथ होगा, ठीक है? अभी तक हमने जो चीज देखी थी कि साइन और कोसेक होता है, कॉस और सेक होता है, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड, ये भी हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ये चैप्टर में डील करते टाइम साइन के साथ क्या होगा, कॉस, और टैन के साथ क्या होगा, कॉट, और लास्ट है हमारा कोसेक के साथ क्या होगा, सेक।
ठीक है, ये फ्रेंडशिप याद रखना। अब वही फ्रेंडशिप के साथ हम यहाँ पे भी डील कर रहे हैं, जब हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, एक बार साइन एक बार कॉस, एंगल्स पे देखो ए एंड देन बी, साइन ए कॉस बी प्लस क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो प्लस की साइन बीच में, देन चेंज योर टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगा, चेंज कर दो जो लिखा उससे उल्टा, कॉस ए साइन बी, एंगल्स पे देखो ए आया फिर बी आया, बस क्या हुआ कॉस के साथ साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कैसे याद रखोगे, साइन कॉस एंड देन कॉस साइन, और फिर ए बी तो हमारा एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, अभी मैंने डिफरेंट एडिशन कहा था ना, अब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें, सिंपल फंडा क्या करना है, साइन चेंज करना है, मतलब कि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे देखो माइनस आ गया, बिकॉज वी आर डीलिंग विद सब्ट्रैक्शन वाला, तो साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सेम बस साइन की क्या हो गई, चेंज हो गई हमारी साइन, दैट्स ऑल। कई सारी बुक्स में अगर आप नोटिस करोगे तो यही पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको इस फॉर्म में भी दिखाई देगा, साइन ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी दिखाई देता है। अब ये इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, पहले तो सबसे पहले प्लस के साथ जब आप डील करोगे तो पॉजिटिव साइन आएगी, उसके बाद नीचे क्या दिखाई दे रहा है, सब्ट्रैक्शन दिखाई दे रही है, तो हम कहां पे जाएंगे, सब्ट्रैक्शन वाले पे जाएंगे, इस प्रकार से टर्मिनोलॉजी। लेकिन जब हम कॉस का फॉर्मूला देखते हैं तो चीजें उल्टी हो जाती है, कैसे उल्टी होती है, यहाँ पे देखो कॉस ए प्लस बी, अगेन एडिशन, कंपाउंड एंगल्स किसका देख रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं कॉस के साथ, यहाँ पे देखो कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे क्या चेंज हुआ, हमारे पास साइन का टर्म बाद में है, पहले हम कॉस के साथ डील कर ले रहे, कॉस ए कॉस बी माइनस यहाँ पे एडिशन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन होने वाला है, कॉस के साथ चीजें उल्टी होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ध्यान रखोगे साइन में क्या होता है, कॉस और साइन की फ्रेंडशिप होती है, लेकिन जब हम कॉस के फॉर्मूला में आते हैं तो समझ उनकी फ्रेंडशिप टूट गई है, हम पहले कॉस के साथ डील कर ले फिर साइन के साथ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मुझे सारे फॉर्मूलाज मेरे जुबान पे लाने हैं, लाइक एकदम फ्लुएंटली हमसे निकल जाता है, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि अब हो जाएगा। आपको भी ये प्रैक्टिस बरकरार रखने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज एक शीट बनाओ, उसके ऊपर सारे फॉर्मूलाज लिखो, यू हैव लाइक टू, जैसे हम डबल एंगल ट्रिपल एंगल बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ये तो सिर्फ कंपाउंड है, तो ऐसे सारे फॉर्मूलाज की शीट आपको मिल जाएगी, यू जस्ट प्रिंट दैट थिंग और हाथ से लिखो और कहीं भी एक वॉल पे लगा दो, ऐसे लगाना कि आप रोज उसको देखो, ताकि आपको सारी चीजें लर्न हो जाए, एंड ये ट्रिक काम आती है, बच्चों को काफी हद तक ईजी भी लगता है। हमारे पास भी व्हाइट बोर्ड है, मेरे घर पे व्हाइट बोर्ड है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो उस पर हमेशा मेरे इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज या फिर मैं मुझे अगर कोई गेट का फॉर्मूला लिखना है तो वो हमेशा वहां पे दिखाई देता है, ताकि मैं उसको रोज देखू तो मुझे वो चीज याद हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये भी है, इफ यू वांट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बुक फोन में गैलरी में दिखाई देगा आपको, तो शायद वो भी एक परफेक्ट रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, कॉस और साइन, अब इसका फॉर्मूला आपको कैसे दिखाई देगा पता है, कॉस ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस एंड प्लस, माइनस एंड प्लस साइन ए साइन बी। अब ऐसे लिखने का मतलब क्या है, जब हम प्लस वाला फॉर्मूला देखेंगे तब हम सबसे पहले कौन सी साइन देख रहे हो, माइनस की साइन, फिर उसके बाद जब हम माइनस वाला देख रहे हैं कंपाउंड एंगल के बीच में तो हम प्लस करते, तो ये इस प्रकार से हमें रीड करना होता है, इसको अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ टैन का फॉर्मूला, टैन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी, टैन में डिविजन आता है, इतना ध्यान रखना। तो अगर मैं टैन ए प्लस बी कर रही हूँ तो ऊपर भी वही कर दो, टैन ए प्लस टैन बी, बस क्या आ जाएगा, टैन ए प्लस टैन बी। डिनोमिनेटर में आओ, क्या आएगा, वन, वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं और ऊपर हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एडिशन कर रही हूँ, ए प्लस बी कर रही हूँ, तो पहले ऊपर प्लस की साइन आएगी और नीचे माइनस की साइन आएगी, ठीक है। अगर मैं एडिशन कर रही हूँ तो ऊपर पॉजिटिव साइन फिर नीचे नेगेटिव साइन, यही चीज उल्टी कर दो। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला देख रही हूँ, अगर यहाँ पे ए माइनस बी है
तो यहाँ पे पहले ऊपर माइनस आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस जो चीज हम जिसका हम फॉर्मूला लिख रहे उसका साइन लिख दो। अगर प्लस है टैन ए प्लस बी विल बी इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन ए टैन बी। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे एडिशन। नीचे आ जाओ, टैन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी। माइनस का लिख रहे थे ना फॉर्मूला, तो माइनस आएगा नीचे वन प्लस टैन ए टैन बी। क्या आएगा, वन प्लस टैन ए टैन बी। इतने छह ही फॉर्मूलाज है जो आपको लर्न करना है, बाकी जो टर्मिनोलॉजीज है कोसेक कोसेक वो नहीं है हमें, हमें बस इतना ही है। तो इसको ध्यान रखो, अच्छे से हो जाएगा। आई नो काफी इजी चीज है ये सारी। अभी आगे आगे तो गेम चालू होगा हमारा, अलाइड एंगल्स के साथ डील करते हैं। अब अलाइड एंगल्स हमारा क्या है, इन सम एंड डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स। सम एंड डिफरेंस हमने देखा, कंपाउंड एंगल। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या, इतना मतलब कि अगर मैं कंपाउंड एंगल के साथ डील कर रही हूँ, इज आइदर जीरो और इज इंटरनल की स्पेलिंग लोगे मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कि पाई बाय टू, वही चीज यहाँ पे भी लिखी है। एन पाई बाय टू क्यों लिखा है, बिकॉज इट कैन बी एन टाइम्स, राइट। अभी 90 डिग्री, फिर उसके बाद हमारे पास उसका डबल, फिर उसके बाद उसका ट्रिपल, जैसे कि 2 पाई बाय टू हो सकता है, 3 पाई बाय टू हो सकता है, या फिर 4 पाई बाय टू हो सकता है। एन की वैल्यू क्या होगी हमारी, कोई भी एक इंटीजर होगी, कोई भी एक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उस प्रकार से देन दिस एंगल इज कॉल्ड एज अलाइड एंगल। क्या कंडीशन है, कंपाउंड एंगल क्या होना चाहिए, जीरो या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इंटरनल मल्टीपल या फिर इंटीग्रल मल्टीपल, जो भी आप कहो उसको, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर वो है मतलब कि इस फॉर्मेट में है या फिर जीरो है, तब हम उसे क्या कहते हैं, अलाइड एंगल्स कहते हैं। काफी सारे फॉर्मूलाज एंड टर्म्स है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम एक्स एंड वाई प्लेन के अंदर देखते हैं, हमारा एक्स प्लेन हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला हमारा वाई वाला हो जाता है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वी गो एंटी क्लॉकवाइज। एरो देखो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। हमारा क्लॉक कैसे घूमता है, इस प्रकार से घूमता है, राइट। बट हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक के अपोजिट जा रहे, उल्टा जा रहे, इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगी तो मेरा ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट, जीरो स्टार्ट कहां से होता है, प्रोट्रेक्टर हम सबके पास है, हमने यूज किया है ज्योमेट्री में, तो कैसे स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, फिर ऊपर ऊपर धीरे धीरे 45 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, फिर 90। यहाँ पे स्ट्रेट जब हम करते हैं तो 90 डिग्री कहते हैं ना, परपेंडिकुलर बनाओ, मतलब 90 डिग्री को हम और एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बाय टू। क्यों पाई बाय टू, बिकॉज पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, 180 बाय टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इसके लिए हमारा ये पाई बाय टू। ठीक है, फिर इधर आ जाओ थोड़ा सा ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ, ऑब्ट्यूज एंगल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जो भी 110, 120, 30, 40, 50, 60, ऐसे करते करते लास्ट में हम कहाँ पे आते हैं, हमारा जहाँ प्रोट्रेक्टर खत्म हो जाता है, दैट इज 80 डिग्री। 80 डिग्री मतलब कि हमारा पाए कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट देखूँ तो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन जब हमें दिखाई देती है तो वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ना अब 180 डिग्री से नीचे भी तो होगा एंगल्स, जितना ऊपर आया उतना नीचे भी जाएगा। हमारा सर्कल कैसा होता है, जितना ऊपर है सेमी सर्कल, उसके बाद हम नीचे भी जाते तो हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो वही चीज हमें भी करनी है। तो जब हम सर्कल को कंप्लीट करेंगे तो 180 डिग्री के नीचे जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 200 250, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री। कितना आएगा, 270 डिग्री। 270 किसके एग्जैक्ट नीचे आएगा, 90 डिग्री के एग्जैक्ट नीचे आएगा। ना 270 को हम 3π/2 भी लिखते हैं। क्यों 3π/2 लिखते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी, यहाँ पे इन्होंने 2 कहा तो कितना हो गया, 270 हो गया। वही चीज है यहाँ पे भी, इसको 3π/2 लिखो या फिर 270 डिग्री लिखो, इट्स ऑन यू। फिर उसके बाद 270 के बाद हमारा कंप्लीट और जाओ ऊपर, क्यों, जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे हम जाके मीट भी होने वाले, तो हमारा जो सर्कल है वो इन ऑल कितना होता है, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2π, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री भी कहते हैं। अब ये हो गया 2π, जीरो से स्टार्ट किया, पाए पे आए, फिर 2π पे आए। अगर मैं इसको और एक रिपीट करूं, 3π हो जाएगा, इसको मैं और कंटिन्यू करूं, 4π हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो बार मैंने राउंड मार लिया, वापस समझ लो मैंने किया तो 5π हो जाएगा।
फिर एक कंप्लीट सर्कल किया तो कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एन पाई, जितना सर्कल कर रहे हो, एक राउंड मारा तो पाई, दो राउंड मारा तो 2 पाई, फिर सॉरी पूरा राउंड, हाँ हाफ नहीं, पूरा राउंड मारा तो 2 पाई, देन 4, देन 6। तो इस प्रकार से याद रखना, हम एन पाई के साथ डील करेंगे जब हम पूरा देख रहे हैं। ओके, तो इतनी कुछ चीजें थी। अब यहाँ पे आ जाओ एक नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। वैसे सब हवे में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगी कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही है, बट इसको अंडरस्टैंड करो, जो चीज अभी बताई वही चीज है। बस यहाँ पे अब हम एंगल्स के साथ डील करेंगे। एंगल्स मतलब कि हमारे प्रोट्रैक्टर जब हम यूज करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखना, जैसे कि हमारा एंगल हम कहाँ से मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो, एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करेंगे इस प्रकार से, तो हमारा पॉजिटिव साइन हम लेते हैं, ठीक है। जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज हमारे घड़ी के हिसाब से, तो कितना होगा हमारे पास, नेगेटिव हम साइन कन्वेंशन के साथ जाते हैं। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें क्या पॉजिटिव होता है, हमारे पास 6 टर्मिनोलॉजी है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक एंड सेक, राइट। हमारे पास 6 टर्मिनोलॉजी है हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक की जोड़ी जो है हमारी, उसको एक क्वाड्रेंट दिया गया है, सबको एक एक घर दिया है, इतना समझ लो। हमारी जो जोड़ी है उसको क्या की गई, सबको एक एक क्या दिया है, घर दिया है। घर मतलब क्वाड्रेंट्स दिए। अब ये क्वाड्रेंट्स कैसे डिवाइडेड है, सबसे पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ये जो जितने टर्मिनोलॉजीज हमने यहाँ पे देखी ना, 6 के 6 क्या होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लो, कोई भी एंगल देख लो, तो क्या होगा, सबका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आ जाओ क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट नंबर 2 एक ऐसा है जिसका घर कौन होगा, किसका घर होगा, ये साइन और कोसेक का घर होगा। साइन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, और उसकी जोड़ीदार कौन होती है, यहाँ पे कोसेक होगा, ठीक है। तो कोसेक और साइन के बीच की जो दोस्ती हम यहाँ पे देखेंगे, उसका वो घर होगा, समझ लो प्यारा सा, कौन सा, सिर्फ साइन और कोसेक, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब बाकी भी 4 बचे, अगर मेरा साइन हो गया और कोसेक हो गया, तो मेरे पास और 4 बच गए ना, वो 4 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा घर होता है टैन और कॉट का, किसका, टैन और कॉट का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टैन और कॉट को पॉजिटिव लेना है, और बाकी कौन बचा, साइन, कोसेक, सेक एंड कॉस बचा, राइट। तो हमारे जो ये 4 चीजें हैं, यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब आ जाओ लास्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, हमारे जो टर्म्स है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब इसको याद करने के लिए ऑल सॉसर टी कप, ऐसा अभी बच्चे पढ़ते हैं, या फिर और भी बहुत सारे बच्चे लोग फॉलो करते हैं स्कूल्स को रिलेटेड, या फिर बहुत सारी चीजें, तो आपको जिस हिसाब से याद रखना है, तो ऑल सॉसर, सॉसर मतलब कि वो कप के नीचे जो हमारे पास होता है डिश, फिर उसके बाद ऑल सॉसर टी, टी स्टैंड्स फॉर टैन, तो टी एंड कप्स। कप क्या होगा, सी, दैट इज कॉस वाला टर्म। सॉसर इज एस, मतलब कि कोसेक, साइन, साइन, ऑल मीन्स सारे के सारे, एस, टी एंड कप्स, ऐसे याद रखोगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अलाइड एंगल में हमें अंडरस्टैंड करनी है, हम कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा थीटा लेंगे। थीटा इज एंगल, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनी थिंग बिटवीन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमारा समझ लो एंगल जो है, हम 0 से उठ के इस डिरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब हम ऐसे मूव करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट होगा, हम कहाँ जा रहे हैं, 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा जब जाएगा, तो क्या हम लेंगे, नेगेटिव ऑफ थीटा लेंगे। वाई, बिकॉज हम ऐसे मूव कर रहे, ऊपर के डिरेक्शन में मूव कर रहे। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, फिर उसके बाद पॉजिटिव हमारे पास, पाई बाय 2 में जब हम आते हैं, पाई बाय 2 मतलब कि हमारा 90 डिग्री। अब मैं चाहती हूँ मैं 90 डिग्री से फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओर आऊं, 90 डिग्री से फर्स्ट क्वाड्रेंट की अंदर आऊं, तो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं अपोजिट डिरेक्शन में आ रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो साइन क्या है हमारे पास, क्लॉकवाइज जब हम जाएंगे एरो देखना, तो हमारे पास क्या होने वाला है, नेगेटिव होगा। तो बस इतना ध्यान रखना, जब हम इस डिरेक्शन में जहां भी मूव करने वाले ना,
सब जगह नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। बाकी जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। बस इतनी चीजें ध्यान रखना। यहाँ पे जब हम इस वाले में मूव करें, क्लॉकवाइज में मूव करें, तो पाई बाय टू से मैं चाहती हूँ मैं इधर आऊं, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस थीटा। अगर मैं चाहती हूँ मैं पाई बाय टू से सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हूँ, तो क्या होगा, पाई बाय टू प्लस थीटा हो जाएगा। बिकॉज मैं क्या कर रही हूँ, 90 डिग्री से कुछ एंगल प्लस कर रही हूँ, कुछ एंगल प्लस कर रही हूँ। 90 डिग्री से बड़ा अगर मुझे करना है तो क्या होगा, पाई बाय टू प्लस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं पाई के पास आ रही हूँ, तो अगर मैं चाहती हूँ मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊँ, सेकंड पाई पे हूँ, मैं चाहती हूँ मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करना चाहती हूँ, मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हूँ, ऐसे मूव कर रही हूँ ना, जब मैं ऐसे मूव करूंगी तो नेगेटिव ही होगा, तो पाई माइनस थीटा। अब अगर मैं चाहती हूँ एंटी क्लॉकवाइज, देखो नीचे के डायरेक्शन में, अगेन पाई प्लस थीटा, बिकॉज वी आर मूविंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं थ्री पाई बाय टू पे हूँ, आई वॉन्ट, मुझे सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में इस डायरेक्शन में, अगेन इट्स क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा। अब यहाँ पे हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा, बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगेन यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या होगा, टू पाई माइनस थीटा। यहाँ पे प्लस थीटा है, यहाँ पे माइनस थीटा, सिर्फ प्लस थीटा आएगा, मैंने स्टार्टिंग में नेगेटिव लिखा था, फिर यहाँ पे क्या होगा, टू पाई माइनस थीटा। ये वाला जो साइन है इसको याद रखो, प्लस एंड माइनस, उसके बाद हमारा, हम कौन से क्वाड्रेंट में मूव करना चाहते हैं उसको याद रखो। इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो भी आपको सारी चीजें एक ही स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। जैसे मूव कर रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ से भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमारे पास एक क्वाड्रेंट में आने के लिए दो पॉसिबिलिटीज होती है। अगर मुझे ये क्वाड्रेंट में रहना है, इट इज पॉसिबल कि मैं यहाँ से आऊँ, इट इज ऑल्सो पॉसिबल मैं यहाँ से आऊँ, ठीक है। तो अगर एक क्वाड्रेंट में मूव करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज होगी, हर क्वाड्रेंट में ऐसा ही है हमारे पास, देखो सब में दो 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 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखने में तो माय गॉड बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा यहाँ पे, बट चीजें काफी इजी है, बिकॉज दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड अलाइट एंगल्स। अब यहाँ से हमारे टर्म स्टार्ट होंगे, हमारे पास छह ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब हमने जितने ये देखे ना, जितने भी देखे, पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा, प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, वो सारी चीजों को लेके हमें अलाइड एंगल को स्टडी करना। यहाँ पे स्टडी करते समय दो चीज का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर वन, जब भी एंगल पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा, थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा होगा, कोई भी एंगल जहां पे पाई बाय टू मल्टीपल्स दिखाई दे रहे, पाई बाय टू अगर कहीं भी दिखाई दे रहा है, मेक श्योर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसके दोस्त के साथ चेंज करो। दोस्ती तो मैंने पहले ही बता दी, तो आपको क्या करनी है, उसके दोस्त के साथ उसको चेंज करना है। उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव है, इसका ध्यान देना। ऑल सॉसर टी कप, ये वाला दो फंडा हमें यहाँ पे यूज होने वाला है, दैट्स ऑल और कुछ नहीं। ये दो फंडे अगर आपको अच्छे से आते हैं, ये जितना दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एक स्क्रीन और ये वाला एक स्क्रीन, आप इजीली परफॉर्म करोगे। तो जो चीज दो कही है उसको ध्यान देना। सबसे पहले हम जा रहे पाई बाय टू प्लस थीटा में, नहीं पाई बाय टू माइनस थीटा, इसमें आ जाओ, ये वाले में, बिकॉज ये वाला जो पर्टिकुलर हमारा कॉलम है, ये कहाँ पे जा रहा है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पे देखो पाई बाय टू माइनस थीटा, तो ये हमारा कौन सा, ये कौन सा होने वाला है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो रहा है। जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ डील कर रही हूँ, तो ऑल सॉसर टी कप्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होने वाले, पॉजिटिव होने वाले। अगर पॉजिटिव होने वाले तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, बस हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि कौन सा कहाँ चेंज हो रहा है। अब मैंने कहा अगर पाई बाय टू आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके दोस्त के साथ उसको चेंज करना है। जैसे कि साइन कॉस से चेंज होगा, कॉस साइन से चेंज होगा, टैन कॉट से चेंज होगा, कोसेक सेक से चेंज होगा, सेक कोसेक से और टैन सॉरी कॉट टैन से चेंज होगा। ये जो दोस्ती है इसको ध्यान में रखना, फिर आपसे क्या हो जाएगी, इजीली चीजें होंगी। अब पाई बाय टू है इसके लिए चेंज कर रहे, अगर पाई होता, पाई होता तो हम चेंज नहीं करते, एज इट इज लिखते, लेकिन पाई बाय टू होने की वजह से साइन पाई बाय टू माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा, टैन पाई बाय टू माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉट थीटा,
cosec pi by 2 minus theta will be equals to sec theta. Sec pi by 2 minus theta will be equals to cosec theta. And cot pi by 2 minus theta will be equals to tan theta. Okay? बस आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से, फिर उसके बाद हमारा क्या है पाई बाय टू होने की वजह से चीजें इस हिसाब से हमें दिखाई देगी। ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चे मगअप करते हैं, नो यूज। मगअप करोगे ऐसा एक इंस्टेंस आएगा पेपर के अंदर, ब्लैंक हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि इसको कहां से क्या सॉल्व करना है, क्या चेंज करना है, कुछ नहीं समझ में आएगा। डोंट मगअप, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दो स्लाइड है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग आते हैं ये वाले पे, पाई बाय टू प्लस थीटा। पाई बाय टू प्लस थीटा मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट में देख रहे हैं पाई बाय टू प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी चीजें पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारी चीजें क्या होने वाली है, नेगेटिव होगी। तो हम क्या करेंगे, सब जगह पे एक माइनस की साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। इतनी स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज में इस हिसाब से याद रखो। सबसे पहली चीज हमारा पाई बाय टू है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके दोस से चेंज होंगे। दूसरी चीज, साइन कन्वेंशन के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था, इसके लिए हमें क्या करना है, साइन और कोसेक को पॉजिटिव रखना है, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। अब चेंज करो, कॉस है पाई बाय टू प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू हमारे पास सॉरी साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर यहाँ पे देखो कॉस है तो किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। नेक्स्ट टैन है तो कॉट थीटा में, कोसेक है सेक थीटा में, सेक है कोसेक में, और कॉट है तो टैन थीटा में। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, व्हाट यू ऑल डू इज, आप लोग किसके लिए साइन देखते हो, डोंट डू। हमें किसके लिए साइन देखना है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म होगा उसका क्वाड्रेंट देखना है। प्लीज इधर का क्वाड्रेंट मत देखना, वरना बोलोगे मैम कॉस थीटा है, कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव की साइन डाल दोगे। डोंट डू, हमें किससे डील करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट से। हमारा साइन क्या हमें जनरेट करके दे रहा है, कौन से एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ ये वाले में, थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा। अब क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से देखोगे तो थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ पे देखो थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा, दैट इज 270 डिग्री प्लस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक और सेक क्या होने, सॉरी कॉस और सेक क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, बाकी सारी चीजें क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, सबको नेगेटिव की साइन दे देंगे। अब नेक्स्ट, अगेन आप नोटिस कर रहे हो पाई बाय टू दिखाई दे रहा है। अब ये पाई बाय टू कितना भी हो, फोर पाई बाय टू भी हो सकता है, सिक्स पाई बाय टू भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल। अगर एन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू आ रहा है तो आपको उसके दोस्त से उसको चेंज करना है। नेक्स्ट, साइन थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा विल चेंज टू कॉस थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा, टैन विल चेंज टू कॉट थीटा, कोसेक विल चेंज टू सेक थीटा, सेक विल चेंज टू कोसेक थीटा, एंड टैन कॉट विल चेंज टू टैन थीटा। अगेन नेगेटिव साइन हमने किसको दी है, जिसका क्वाड्रेंट था, कॉस का क्वाड्रेंट और सेक के क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से। अब यहाँ पे आ जाओ, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखोगे तो थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, राइट, इस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो हमारे पास कौन सा टर्म होने वाला है, टैन और कॉट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीजें क्या होने वाली है, नेगेटिव। मतलब कि हमारा ये होगा टैन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट, थ्री पाई बाय टू है, पाई बाय टू का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, मतलब अगेन उसके दोस्त से वो चेंज होने वाला है। तो कॉस साइन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा विल चेंज टू कॉस थीटा। यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, दिस विल चेंज टू कोसेक थीटा, एंड दिस विल चेंज टू टैन थीटा, ठीक है। तो ये एक स्क्रीन में आपको चार चीजें दिखाई दे रही है, तो प्लीज इसका ध्यान देना कि हमने सारी चीजें कैसे लिखी है, दो क्राइटेरिया उसको ध्यान में दिया है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट वाला, इसके अंदर इट्स लाइक कुछ भी नहीं, बस एक ही चीज याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो पाए है, यहाँ पे देखो टू पाए, पाए थ्री पाए, फोर पाए, फाइव पाए, इस हिसाब से। जब हम ये वाला स्लाइड देख रहे हैं तो यहाँ पे हम n पाई से डील कर रहे हैं, ये वाले स्लाइड में हम n पाई बाय टू से डील कर रहे थे, ठीक है।
एन पाई बाय टू जब आता है तो हम क्या करते हैं, 2 से चेंज करते हैं। लेकिन जब हम एन पाई पे आते हैं, यहाँ पे हमें कोई दोस्ती यारी नहीं निभानी, इसको किसी से कोई संबंध नहीं है, इधर हम कोई भी सॉर्ट ऑफ चेंजेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में नहीं करते। हमें क्या करना है, जो है उसको वैसे ही रखना है, बस ध्यान में रखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। जैसे कि ये वाला देखो, सबसे पहला पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब कि हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। देखो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो सिर्फ टैन और कॉट को पॉजिटिव दे दो, बाकी सब कुक्स क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव का साइन होगा। यहाँ पे हम कोई दोस्ती यारी नहीं निभा रहे, इसकी वजह से क्या होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, एंड नो चेंजेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू टैन थीटा, कोसेक टैन कोसेक पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू कोसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा कॉट थीटा। यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ दोस्ती यारी प्यार हमें नहीं निभाना, बस एक चीज का ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट में हम है। अब पाई माइनस थीटा, अगर पाई माइनस थीटा की बात करूं तो कहां पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो वो चीज कर दो, साइन और कोसेक को पॉजिटिव साइन, ओप्स, और बाकी सबको क्या आ जाएगा हमारा साइन, नो दोस्ती आ रही, दैट मींस साइन पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा, यहाँ पे क्या होगा कॉट थीटा। ओके, अब नेक्स्ट टू पाई प्लस थीटा, अगेन इट्स अ मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो टू पाई प्लस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, टू पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट दिस ओनली, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, इतना ध्यान रखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये टू पाई है, टू पाई से ऊपर बढ़ रहे हैं। ओके, जब हम टू पाई से ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है, और कोई भी सॉर्ट ऑफ दोस्ती यारी नहीं है हमारे पास, दैट मीन्स साइन टू पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा, नाउ इट कैन बी साइन थीटा आल्सो, सेम ही चीज है ना, फर्क तो नहीं पड़ रहा, तो ये होगा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इज समथिंग दैट इज लाइंग बिलो द लाइन, मतलब कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो मेरा साइन नेगेटिव होगा, टैन भी नेगेटिव होगा, कोसेक भी एंड कॉट भी नेगेटिव होने वाला है, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, मतलब कि कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नो सॉर्ट ऑफ दोस्ती यारी कोई भी हम यहाँ पे कुछ निभा नहीं रहे, तो हमारे टर्म्स क्या होंगे, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर अलाइड एंगल्स। अगर आपको ये दो स्लाइड्स आते हैं लिखना तो आपके अलाइड एंगल्स हो गए एंड यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चंस। तो आपको बस कॉन्सेप्चुअली याद रखना है कि हमें कौन सी चीजें कहाँ पे डील करना है एंड यू आर डन विथ अलाइड एंगल्स, दैट्स ऑल। यहाँ पे होप्स तो समझ में आया होगा, अब हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं बिकॉज वी नीड दिस थिंग्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसके वेटेज 5 मार्क्स जाते हैं, ऑफकोर्स दिस इज फॉर 5 मार्क्स, तो अगर समझ लो एक ही क्वेश्चन आ रहा है जो 5 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो वहाँ पे हमें मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगाने होंगे। तो यहाँ पे हम बेसिक्स अगर देखें तो यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, अगर नेगेटिव एंगल है तो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा है हमारे पास तो वो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, दैट मीन्स कॉस थीटा ही होता है। कौन सी चीजें होंगी, ये वाला एक लाइन ध्यान में रखो, दैट्स ऑल, अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा, कोसेक माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, कॉस माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, टैन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा, एंड कॉट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। बस यहाँ पे दोस्ती किसमें है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव की, जो ये दोनों चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, दैट्स ऑल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बच्चे गलती बहुत ज्यादा करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में, वैल्यूज कहो टेबल कहो जो भी आपको कहना है। यहाँ पे प्रेजेंटली आपको जो चीज दिखाई दे रही है दैट हैज ओनली 1 2 3 4 5 एंगल्स, दैट इज 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दिस इज
जीरो ऑफ कोर्स दिस इज पाई बाय सिक्स, दिस इज हमारे पास पाई बाय फोर, दिस इज पाई बाय थ्री, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। इसके आगे भी हमारे पास पाई है, थ्री पाई बाय टू है, टू पाई है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, ठीक है, बट हम उतना नहीं देख रहे हैं। प्रेजेंटली आपको कितना ये पांच लाइंस याद रख लो, वही बस है। लाइंस में भी सबसे पहली चीज जो याद रखनी है, दैट इज ओनली एंड ओनली साइन थीटा। अगर साइन थीटा आता है, यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स नीचे वाले। साइन थीटा को आपका रोज, उसका जो पर्टिकुलर रो है उसको याद रखो इन प्रॉपर ऑर्डर। प्लीज नोटिस दिस थिंग इन प्रॉपर ऑर्डर। जीरो, थर्टी, 45, 60 एंड 90 हमारा ये ऑर्डर है और हमें वही ऑर्डर से फॉलो करना है, सच दैट 0 पाई बाय 2, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 एंड 1। जब मेरा साइन 0 होगा तो क्या होगी वैल्यू? 0 होगी। साइन 0 इज 0। साइन 30 डिग्री दैट मीन्स पाई बाय 6 इज 1 बाय 2। दिस आर द वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर एंगल। अगर मेरा एंगल इतना है तो साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, ये टेबल वो चीज दिखाता है। याद कैसे रखोगे? 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 एंड 1। ये एक पर्टिकुलर जो रो है उसको ध्यान रखो, 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे खत्म होगा। ये इसके लिमिट्स है हमारे वैल्यूज के, 0 से लेके 1 तक जाएगा, इतना ध्यान रखो साइन। उसके बाद बीच में एक बार आधा होगा, फिर 1 बाय रूट 2 होगा, फिर उसके बाद रूट 3 बाय 2 होगा। इतना याद रखो, उसके बाद वाले रो में आओ कॉस में। कॉस में क्या करना है बता? इधर से वैल्यूज लिखनी है, देखो इधर से उठाओ उल्टा लिखो, 1 रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 एंड 0। 1 यहाँ पे, रूट 3 बाय 2 यहाँ पे, 1 बाय रूट 2 यहाँ पे, 1 बाय 2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। बस आपको क्या करना है, उल्टा लिखना है, दैट्स ऑल। नाउ अनदर थिंग, थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, right? We all know this thing. Sin theta upon cos theta क्या होता है? Tan theta होता है। अगर cot theta की बात करूं, that is equals to cos theta upon sin theta. Why? Because we know a terminology. Tan theta is equals to 1 upon cot theta. या फिर sin theta अगर लिखूं, that will be equals to 1 upon cosec theta. Cos theta is equals to 1 upon sec theta. Right? We know this thing. ये चीज को बहुत ध्यान में रखना। ना tan थीटा के ऊपर ये वाला फॉर्मूला अगर मैं लगा रही हूँ तो मेरा ये वाला देखो, जीरो में क्या होगा, साइन की वैल्यू कितनी है। अगर मैं tan जीरो निकालना चाहती हूँ, दैट विल बी जीरो विल बी इक्वल्स टू साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। तो साइन जीरो कितना है हमारे पास, जीरो अपॉन कॉस जीरो कितना है, 1। नाउ व्हेन वी डिवाइड एनीथिंग बाय 1 तो वी हैव द नंबर इटसेल्फ। अगर मैं कोई भी चीज को डिवाइड कर रही हूँ, 2 बाय 1 इज 2 ओनली, 5 बाय 1 इज 5 ओनली, तो यहाँ पे भी 0 बाय 1 इज 0 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 बाय 2, फिर ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसकी वजह से हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 1 अपॉन रूट 3, 1 फिर रूट 3 एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कई सारे बुक्स में देखो या फिर कई सारे गूगल पे अगर आप डालो भी, हाँ गूगल पे एक और चीज है, टेबल कहीं कहीं पे गलत है, तो प्लीज बुक वाला या फिर ये वाला फॉलो करना चाहते हो तो इट्स ऑन यू, या फिर बुक के पीछे कहीं पे आपको टेक्स्ट बुक के पीछे मिल रहा है, वेल एंड गुड, फॉलो दैट थिंग, गूगल पे गलत भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे नॉट डिफाइन या फिर ऐसे जो भी वैल्यू आएगी, वाई, बिकॉज वी आर डूइंग 1 अपॉन 0। 0 का टेबल आता है क्या हमें? 0 से डिवाइड कर सकते हो क्या यार? नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो एक्चुअली हमारा नंबर क्या होने वाला है। इसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट डिफाइन समथिंग दैट वी डोंट नो, या फिर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की भी वैल्यू वी डोंट नो। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, लेकिन जब हम सम सॉल्व करेंगे तो एनडी थोड़ी दिखोगे वहां पे, वहां पे तो नॉट इन्फिनिटी लिखना है। इसके लिए रिमेंबर दिस थिंग, ओके। नाउ कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन सॉरी कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 1 अपॉन साइन थीटा। हमें क्या करना है, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन का जो भी वैल्यू होगा उसको हम क्या करेंगे, 1 से मतलब नीचे आ जाएगा, तो फिर ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 बाय 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, इसी प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यूज चेंज हो। तो जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये ऊपर जाएगा तो रूट 2, फिर इसका चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना होगा, 2 बाय रूट 3। यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 विल बी इक्वल्स टू 1 ओनली। नाउ sec की बात करूं तो sec में अगेन जो हमने cos एंड sin में रूल देखा वही रूल है, बस आपको क्या करना है, 1, 2 बाय रूट 3,
रूट टू टू एंड इंफिनिटी, बस क्या होगा वैल्यूज ऐसे क्रॉस में चेंज होगी. नाउ कॉट, अब कॉट में आ जाओ. कॉट क्या होता है हमारा, वन अपॉन टैन थीटा होता है. अगेन रेसिप्रोकल एंड थिंग्स गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे टेबल ध्यान रखो, आपको इजी पड़ेंगे काफी सारे वैल्यूज जहां पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे. दैट इज ये सम, ये वाले सेशन में हम सिर्फ दो ही सम्स देखेंगे ताकि चीजें आपको कंफ्यूजिंग ना लगे. ना हमने जस्ट अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला देखा. अब पूछना जायज था आप सभी का कि मैम हमने अलाइड एंगल्स में ले रखे एंगल्स की वैल्यू कैसे लिख दी, राइट? इट्स वेरी कॉमन थिंग. ना जब हमने अलाइड एंगल का डेफिनेशन देखा तो यू हैव अंडरस्टूड कि सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, कि हमारा मल्टीपल ऑफ समथिंग जा रहा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे थे. वहां पे मैंने आपको बोला ना ये कंपाउंड एंगल का डेफिनेशन है, एग्जैक्ट यहाँ पे लिख दिया गया. मतलब कि अलाइड एंड कंपाउंड में कुछ तो रिलेशनशिप था, इसके लिए हमने फॉर्मूलाज लिखे, राइट? वही फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे भी यूज करने हैं. सबसे पहला सम आपको दिखाई देगा साइन पाई बाय टू प्लस थीटा. अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो दिस इज नथिंग बट साइन ए प्लस बी, राइट? जहां पे ए की वैल्यू क्या है, पाई बाय टू है, एंड बी की वैल्यू क्या है, थीटा, राइट? व्हाट दे हैव आस्क्ड यू इज प्रूव दैट साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल टू जीरो. फॉर्मूला जो स्क्रीन था ये वाला, इधर आ जाओ, पाई बाय टू प्लस थीटा वाले में, तो इन्होंने क्या आपको कहा, ये वाला स्टेटमेंट का कैसे आया आपको, एक्चुअली अभी इधर हम प्रूव करेंगे. आपको क्वेश्चन आया कि नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे तो जरूर आया था. इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एग्जाम अंडरस्टैंड करते कि प्रूफ कर लेते, क्या पता पेपर में आता है, प्रूफ भी करना आ सकता है. तो यहाँ पे देखो साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आपको प्रूफ करना है. साइन क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट? हमारा यही फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का. तो हमें जब ये फॉर्मूला पता है, हमें समझ में आया इससे हमारा ए की वैल्यू क्या है, पाई बाय टू, और बी की वैल्यू क्या हो गई है, थीटा. अब वी नीड टू प्रूफ, राइट? तो जब हम प्रूफ करते हैं तो वी कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पाई बाय टू प्लस थीटा. नाउ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज इक्वल टू साइन ए, ए की वैल्यू क्या है, पाई बाय टू. नेक्स्ट कॉस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा, प्लस साइन कॉस ए, अगेन कॉस पाई बाय टू. नेक्स्ट साइन बी मतलब साइन थीटा. नाउ साइन पाई बाय टू की वैल्यू हमने देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से. साइन पाई बाय टू मतलब कि 90 डिग्री कितना है, जीरो है, तो हमें सॉरी वन है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी. एज वी नो यू कैन राइट दैट स्टेटमेंट साइन पाई बाय टू इज इक्वल टू वन, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है. अगर टेबल देखोगे तो यहाँ पे देखो कॉस पाई बाय टू कितना है हमारे पास, जीरो. तो मैं यहाँ पे जीरो डाल दूंगी और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा. नाउ जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी थिंग इज जीरो ओनली, तो ये क्या होगा, एंड वन इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जीरो. This will be equals to cos theta, that is equals to right hand side. जो चीज इन्होंने हमें बताई थी ये वाली, वो हमने क्या कर दी, exactly प्रूफ कर दी. This proves that हमारा allied angles and compound angles दोनों में एक relationship है. इसके लिए हमारा allied angles के ये particular formulas हम लिखते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आ जाओ, एक और हमारे पास sum है cos pi plus theta is equals to minus cos theta. अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे माइनस की साइन है, फिर पाई प्लस थीटा है, कई सारी चीजें, राइट? तो यहाँ पे अगेन सेम थिंग, हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी. कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे यू मे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर द फॉर्मूलाज, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, यू मे फाइंड, बट द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लाइक एक्सेल. तो यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, इनिशियल स्टेज पे जस्ट कीप योर बुक और फोन अगर आपके पास है तो उसमें स्क्रीनशॉट लेके रखो सारे फॉर्मूलाज का, और जब भी सम सॉल्व करोगे तो वो शीट को सामने रखो एंड गो ऑन डूइंग दैट थिंग. भले कॉपी पेस्ट हो रहा है वो चीज कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली फॉर्मूलाज के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है. यहाँ पे क्या है, cos a plus b will be equals to cos a cos b minus sin a sin b. Now लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू कॉस
pi plus theta. That means a will be equals to pi and b will be equals to theta. Now substitute. तो क्या होगा? Cos pi cos theta minus sin pi sin theta. Now अब बोलोगे मैम आपने ये वाला जो टेबल दिखाया इसमें तो हमारे पास सिर्फ पाई बाय टू था, आगे की भी तो वैल्यूज है. अगर आपको नहीं आती निकालना सिस्टम में आ जाओ, जो हमारे सिस्टम है यहाँ पे देखो कॉस जीरो और साइन जीरो हम देखेंगे, ठीक है, बिकॉज वी नीड टू डील विद पाई. ये जीरो है ये पाई है, इसका एकदम अपोजिट ही तो वैल्यू होने वाला है. मतलब साइन जीरो कितना होता है? जीरो. तो साइन पाई कितना होगा? इसका एग्जैक्ट अपोजिट कितना होगा? माइनस जीरो. माइनस जीरो मतलब जीरो होता है, फर्क तो नहीं पड़ना. मतलब कि साइन पाई की वैल्यू क्या होने वाली है? हमारे पास जीरो होगी. नाउ नेक्स्ट कॉस पाई, हमें कॉस पाई चाहिए. कॉस जीरो कितना होता है? वन होता है. अकॉर्डिंग टू द टेबल कॉस ऑफ जीरो इज वन. नाउ कॉस ऑफ पाई मतलब कि एग्जैक्ट अपोजिट जा रहा है, विल बी इक्वल्स टू माइनस वन. एग्जैक्ट अपोजिट जा रहा है. यही यहाँ पे भी अगर मैं पाई बाय टू की बात करूं तो अगर मेरा पाई बाय टू यहाँ पे साइन के लिए वन होता है तो साइन थ्री पाई बाय टू के लिए माइनस वन होगा. मेक श्योर यू नो दिस थिंग्स, ठीक है, एकदम उल्टा जाता है ना. कॉस पाई की वैल्यू हमें क्या मिली? माइनस वन. कॉस थीटा माइनस साइन की वैल्यू क्या मिली? जीरो. साइन थीटा मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो. तो ये होगा माइनस कॉस थीटा माइनस जीरो, फर्क नहीं पड़ेगा. बचा क्या? माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, जो उन्होंने हमें प्रूव करने कहा था. होप सो समझ में आया होगा. काफी अच्छा था, काफी इंटरेस्टिंग सा था. सबका सब फॉर्मूला स्टैंड थ्योरी था, दैट्स ऑल. तो होप सो समझ में आया होगा. नेक्स्ट वाला जो हमारा सेशन होगा वो कम्प्लीटली 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 सम्स होने वाले, बहुत सारे सम्स होंगे. 20-25 सम्स जितने मुझसे होंगे उतना हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए. दो सेशन होंगे एंड दोनों सेशन में सम्स देखेंगे, ठीक है. सो स्टे ट्यून विद अस ताकि हम सारी चीजें को प्रैक्टिस कर सके. सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.